कहाँ छुपाए हैं भाटिया पैसे? लेकिन अगर कोई बीच में तंगड़ी मारने आ गए तो? जेल में हर तरह के लोग होते हैं चिंटू, कुछ तो वो होते हैं जो सिर्फ पीछे से अटैक करते हैं, तो उनसे निपटना भी सीख लिया है मैंने बिना उनके सामने आए। बुरा वक्त तो सब पे आता है, बुरे वक्त में मैं तो निखर गया पर तुम बिखर जाओगे, तुम सब बिखर जाओगे शून्य। और ये रॉकी का वादा है। मुंह बंद कर ले, नोट मुंह में चला गया ना तो पेट खराब हो जाएगा। भाई कौन से बैंक में इतने पैसे रहते हैं? आपका स्पेशल बैंक तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, कहाँ से लाए हो ये सब? भाई बाल मत बिगाड़ो, कितनी बार कहा है मैंने कौन सा कहीं चले जाना है? मैंने यहाँ हमेशा रहना है, तेरे हाथ और तेरे दिमाग दोनों की मरम पट्टी करने। भाई यार बाल बाल मत खराब किया करो आप यार। बेटा किस्मत वाला है तू, कि कोई है तो तेरे बाल खराब करता है। भाई एक बार फाइनल बात बता दो ना, हम अमीर हो गए ना? दिल से अमीर तो पहले ही थे हम, अब जेब से भी हो जाएंगे। और एक जेब में जब पैसा हो ना तो दूसरी जेब में क्या होता है पता है? क्या होती है? पावर। आपने देखा वो बंदा कौन था? हाँ? सब लूट गया, सब ले गया। डैड, डैड, ब्रीथ, रिलैक्स, पानी लेकर आओ। डैड, डैड, आई प्रॉमिस यू कि जिसने भी ये सब किया है ना, ही विल पे फॉर इट, इंटरेस्ट के साथ। पानी दो, पानी पियो। डैड, सब ले गया। पैसों की टेंशन मत ले, एक लेटेस्ट लैपटॉप और कुछ फ्रेश कपड़े, रिच टाइप के, कुछ कमी मत छोड़ियो। गेम शुरू।
हाँ ठीक है ओके। आओ। बैठ। सुन वो जो बंदियां शॉर्टलिस्ट की थी ना तूने उनको भेज इंटरव्यू करना है मुझे। इतने सालों में भी यहां कुछ नहीं बदला। वो जगह देख रही हो वहां बैठकर मैं रणबीर को स्टोरी सुनाया करता था और उस जगह पर हम बैठ के खाना खाया करते थे। वो कभी कभी पूछता था मुझसे कि हम लोग यहां क्यों रहते हैं, कभी अपने घर क्यों नहीं जाते, और हर रोज मैं एक नई स्टोरी और एक नया बहाना बनाता था। उससे कहता था कि हमारे पेरेंट्स सीक्रेट एजेंट हैं, वो एलियन से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उनसे डील क्रैक करने गए, कभी कुछ और कभी कुछ। एक्चुअली रणवीर बहुत छोटा था जब हमारे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में, बहुत टफ टाइम देखा है हमने। एक दूसरे का साथ ही हमारा सपोर्ट था। जब माँ बाप चले जाते हैं तो सिर्फ बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, सारी लाइफ अनाथ हो जाती है। आप और रणवीर बहुत क्लोज हो ना एक दूसरे से, एकदम मैग्नेट की तरह, जिसको अगर खींचना भी चाहो तो भी अलग नहीं हो सकते। शायद स्माइली भी एक दिन सो सॉरी गलत टाइम पे सेंटी हो गई। हैप्पी तुम कभी भी अपने दिल की बात, अपना दर्द मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। कोई दर्द वर्द नहीं। जब आप किसी को दिल से प्यार करो और वो प्यार आपको ना मिले तो वो चाहत आपका दर्द बन जाती है। But I'm thankful to God कि आप मेरे साथ हो, क्योंकि स्माइली आप पे जितना ट्रस्ट करती है ना, उसने आज तक इतना ट्रस्ट कभी किसी पे नहीं किया। थैंक यू सो मच। तुम्हें और स्माइली को मुझ पर भरोसा है, और मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि स्माइली के साथ जो हुआ उसके लिए रॉकी नहीं रणवीर जिम्मेदार था तो। हेलो आर्मी। हेलो हैप्पी, आप दोनों रेडी हो तो बच्चों से मिले? या श्योर। वेलकम। बच्चों देखो आप लोगों से मिलने कौन आया है। भाई सारी बंदियां वेट कर रही है, गेट इट गो करे। कैसे हो बच्चों? आपको पता है पहले मैं भी यहीं पर रहता था, और पहले भी ऐसे ही सक्सेसफुल लोग आकर हमसे बात करते थे, बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, लगता था कि लाइफ में कुछ कर जाना है। आई नो आप लोगों को कभी कभी अपने मम्मी पापा की याद आती होगी, मुझे भी आती थी, पर इस बात को आप कभी अपने आप को इफेक्ट करने मत देना, क्योंकि आप लोग खुद एक दूसरे की फैमिली हो, एक दूसरे के साथी हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी गुलाब का पौधा देखा?
उस पर जो कांटे आते हैं वो देखा है? पर आपने देखा कि कैसे जब सही मौसम आता है तो उस कांटे वाले पौधे पर भी एक सुंदर सा फूल खिलता है। लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही होती, उसमें कांटे हैं, पर उस सही मौसम जैसा इंसान जब आपकी जिंदगी में आएगा, वो एक खास इंसान आपकी कांटों वाली जिंदगी को भी खुशहाल बना देगा। उस इंसान की हमेशा वैल्यू करना, वो इंसान जो आपको फील कराए कि आप सबसे स्पेशल हैं, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना, वो आपको स्माइल कराए, उस खुशी को कभी अपनी लाइफ से दूर मत जाने दें। आप लोग जानते हैं खुशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी। करेक्ट, हैप्पी। हैप्पीनेस को कभी अपनी जिंदगी से दूर मत जाने देना। बच्चों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप लोग लाइफ में अभी क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। ओके, चौकी इज गिल्टी। बैसाखी के फंक्शन में ये बच्चे जरूर आएंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। देखा अरवी, कितना इंस्पायर हो गए बच्चे आपसे मिलकर। कितना कुछ है आपसे सीखने के लिए अरवी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? आपकी सादगी। इतने मॉडर्न, डाउन टू अर्थ कैसे हो आप? आप टेंशन मत लो वार्डन सर, जानता हूँ 3 दिन हो चुके हैं पर सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जी भाई साहब, अच्छा हुआ तू आ गया। 3 दिन में मुझे सारे पेपर्स तैयार चाहिए। हो जाएगा, बस आपके फोटोज लेंगे। 1 दिन में पासपोर्ट बनके आपके हाथ में होगा। नई लाइफ के लिए तैयार हो जा चिंटू। ले जा सब, ले जा। ढूंढो, एक एक कोना ढूंढो, ढूंढो सब जगह। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्यों छोड़ के ना गया वो बंदा। को डैड, इसे पहचानते हो आप? Have a good day, sir. Have a good day, ma'am. Yes, sir. वो रूम सर्विस के लिए बुलाया है मैं। स्टीम सोना रूम की सर्विस। वो हैप्पी मैम के साइन चाहिए थे इस ऑर्डर पे। हैप्पी मैम, वो तो अब तक आई नहीं। सुमन, हैप्पी कहाँ पर है? सर, हैप्पी मैम अभी तक आई नहीं। ये लोग कौन है? ये लोग सोना रूम रिपेयर सर्विस के लिए आए हैं, तो मैं इनको बस वहीं लेके जा रही थी। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। Okay. बिजी टाइम है, गेस्ट आ रहे हैं, मैं ले जाता हूँ। आओ भाई तुम लोग। ग्रोवर कहाँ है? ग्रोवर कहाँ है? मैम सर मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। कहाँ बाहर गए हैं? बोल। आरवी का है? वो हैप्पी मैम के साथ है। और तुम लोगों की दुकान तो वही है ना, वो चौक के पास वाली? क्या हो गया? काम पे बोलने की इजाजत नहीं है क्या तुम लोगों को? नहीं साहब,
क्या है कि 2-3 ट्रिप लगा लिया है ना, इसके लिए थक गया बंदा बस। अरे बेटा, बेटा संभल के, ठीक हो ना? तूने सुना मैंने क्या कहा? तू मेरा बेटा नहीं है। सर चले, देर हो रही है, रूम। तुम लोगों को पहले कभी यहाँ होटल में देखा नहीं, पहली बार आए हो क्या? अरे जरा अपना चेहरा तो दिखाओ, कोई आईडी वाईडी है तुम्हारे पास? सर सर ये है ना सर आईडी। इस तरफ चले जाओ, वो सामने वाला कमरा। ठीक है। ये एक छोटा सा डोनेशन। छोटा नहीं, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चले, मैं तुम्हें पहले ड्रॉप कर देता हूं। पता है ना तो क्या कर रहा है? ये गैस की पाइप यहाँ कनेक्ट करना है और उनको यहाँ कनेक्ट करना है बस। पक्का ना? हम जो भी कर रहे हैं उससे किसी की जान पे नहीं आएगी। कुछ नहीं, आप जितना चाहते हो उतना ही असर होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच हैप्पी, मुझे ऑर्फनेज ले जाने के लिए। मुझे वहाँ जाकर बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए और वहाँ चलने के लिए। हैप्पी आर यू ओके? बाहर निकल, बाहर निकल। अरे स्टॉप इट, कर दो अपने आप। आर यू इंसेंट? तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी। गार्ड, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या गुंडा कर रही हो तुम? मैं आज छोड़ मेरा। मोदी आया ना भगवान ने बात करने के लिए, तो मुंह से बात करो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ओ बरखुरदार, अब मुंह से मेरी बात सुन। तूने और ग्रोवर ने जो कांड किया है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। शेर की मांद में हाथ डाल दिया तुम दोनों ने। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? ये क्या पागलपन का भूत सवार हो गया आप लोगों के सर पर? अबे ओए, ड्रामा मत कर। हमारी बिल्डिंग्स गिरा दी, हमारे घर से पैसे चुरा लिए और मुझे तो कुछ पता ही नहीं, वाली गंदी एक्टिंग कर रहा है। सान्या, आरवी भला ऐसा क्यों करेगा? हवा में बात नहीं कर रही हूं मैं हैप्पी। जहां से चोरी किया ना तुमने, ये रहा सबूत। ये वहां से मिला है जहां तुमने घुस के लूटपाट मचाई है। तेरे पार्टनर ग्रोवर का रुमाल, ईमानदारी की मिसाल देते फिरते हो दोनों, और वो एक नंबर के चोर। हमारे साथ मिलके काम करना बंद करना चाहते थे ना तुम? तुमने क्या सोचा, इनकी बिल्डिंग्स गिरा दो, इनके पैसे चुरा के इन्हें बर्बाद कर दो, पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी? तुझे क्या लगा इतनी आसानी से जाने देंगे हम तुझे? एक बात याद रखियो कि तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी हमारे पास है। याद दिलाऊं क्या है हमारे पास? कर दूं तुझे एक्सपोज, बोल। नहीं, मैं रणबीर की सच्चाई हैप्पी के सामने नहीं आने दे सकता। ऐसी कौन सी दुखती रग है इसके पास आरवी और ग्रोवर की, जिसके दम पर ये ब्लैकमेल किए जा रही है? कहीं सच में मेरे केस से जुड़ी हुई कोई बात या सबूत तो नहीं है इसके पास? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।